नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आज हम लोग देखेंगे एडिमा क्या है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एनिमल्स में एडिमा एक अच्छा डायग्नोस्टिक क्लू है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल सिम्टम है जो कई बीमारियों को पहचानने में मदद करता है। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि इस एडिमा के डेवलपमेंट के पीछे कारण क्या है और उसको क्लू लेते हुए हम एक सर्टेन डायग्नोसिस की तरफ मूव कर सकते हैं एनिमल सेक्टर में। तो अगर आप एडिमा की बात करें तो एडिमा क्या है, आप सभी जानते हैं कि एडिमा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग करता है या एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड है आइदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में या डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में, जैसे कि लंग हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गई, एब्डोमिन हो गया, इन सारे जगहों पे जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है तो उसे एडिमा कहा जाता है। अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है एडिमा के डेवलपमेंट के लिए वो होता है डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर है क्या, ये आप लोगों को जानना चाहिए। एक्चुअली ऑन्कोटिक प्रेशर प्लाज्मा में का ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है ये प्लाज्मा में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी देता है, यानी कि ऑन्कोटिक प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो ब्लड कैपिलरीज में वाटर होल्ड रहता है, लेकिन ऑन्कोटिक प्रेशर जब लो हो जाता है उस समय में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैपिलरीज की कम हो जाती है और ब्लड की कम हो जाती है और वाटर का वहाँ से सीपेज होने लगता है और फिर वो डिफरेंट टिश्यूज में या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आने लगता है या वो कंपार्टमेंट में जाता है और फिर एडिमा डेवलप होता है। तो इस ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रोटीन लेवल, टोटल प्रोटीन। अगर प्रोटीन की हम लोग बात करें तो प्रोटीन दो तरह का होता है, एक अल्बुमिन होता है, दूसरा ग्लोबुलिन होता है। तो जो अल्बुमिन प्रोटीन है ये मेजर रोल प्ले करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, यानी किसी भी एनिमल में चाहे कोई भी कारण हो अल्बुमिन लेवल लो हो जाएगा तो उस कंडीशन में ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और वहाँ पे एडिमा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जिनके चलते या तो अल्बुमिन लेवल कम हो जाता है या अल्बुमिन लॉस्ट हो जाता है बॉडी से किसी भी तरह से, या तो बॉडी के अंदर बन नहीं रहा हो अल्बुमिन या बॉडी से लॉस ज़्यादा हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में अल्बुमिन लेवल लो हो जाएगा और एनिमल में एडिमा का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसे में अगर आप देखेंगे तो उसमें सिमेट्रिक वेंट्रल एडिमा डेवलप होता है। अगर हम लोग बात करें कि लॉस कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कि अल्बुमिन लेवल लॉस होता है, तो इसमें नंबर वन पे आते हैं ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। तो अगर आप किसी एनिमल का प्रेजेंटेशन है और वहाँ पे आपको लगता है कि प्रोटीन लॉस हुआ होगा तो उसमें आपको ब्लड सकिंग पैरासाइट को कंसिडर करना अति आवश्यक है। ब्लड सकिंग पैरासाइट्स में भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज में किस एज ग्रुप को कौन सा पैरासाइट अफेक्ट करता है, यानी कि सपोज अगर आपके पास एक कोई पप्पी लाया गया है और उसमें एसाइटिस डेवलप है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पप्पी जो है हुकवर्म से इन्फेक्टेड रहा होगा, यानी कि ऐसा पैरासाइट जो ब्लड बहुत ज़्यादा सक करता है वो ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा को भी सक करेगा और प्रोटीन लेवल कम हो जाएगा। इसी तरह से कोई इक्वाइन अगर प्रेजेंट किया गया है तो उसमें स्ट्रोंगाइल के लिए हमेशा सस्पेक्ट करते हैं हम लोग। अगर कोई काफ प्रेजेंट किया गया है तो उसमें हम लोग बुनोएस्टोमम के लिए भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। शीप एंड गोट है तो आप हेपेटिक फेसियोलाइसिस जो होता है या फेसियोला ग्रुप के जो पैरासाइट हैं उनको आप सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर एडिमा से सिम्टम शीप एंड गोट में मिल रहा है तो। इसी तरह से ये लॉस जो है अदर वे में भी हो सकता है, जैसे या तो ये लॉस प्रोटीन का हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, कोई भी बीमारी हो जिसमें कि प्लाज्मा का सीपेज हो रहा हो जीआई ट्रैक्ट में, उस कंडीशन में भी आपको एडिमा डेवलप हो जाएगा और हाइपोअल्बुमिनेमिया रहेगा।
इसी तरह से प्रोटीन के लॉस होने का दूसरा जो ऑर्गन है वो किडनी है, यानी कि किडनी अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, उस समय जो है प्रोटीन किडनी से लॉस होता है और उसके बाद एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है और डेवलपमेंट ऑफ एडिमा हो जाता है। तो आपको किडनी को टारगेट करना है, जीआई ट्रैक के लॉस को टारगेट करना है। इसी तरह से वट एवर द रीजन, अगर किसी भी तरह से ये प्लाज्मा दूसरे कंपार्टमेंट में, जिसे थर्ड स्पेस कहते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाए, जैसे प्लूरल कैविटी हो गया, पेरिटोनियल कैविटी हो गया, अगर यहाँ पे भी प्लाज्मा की शिफ्टिंग हो जाए या प्रोटीन की अल्बुमिन की शिफ्टिंग हो जाए तो भी रिलेटिवली हाइपोअल्बुमिनेमिया हो जाएगा और वहाँ पे एडिमा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये तो एक तो फैक्टर हो गया कि लॉस ऑफ प्रोटीन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, उसको आपको जब भी एडिमा डेवलप हुआ होगा तो कंसिडर करना चाहिए डायग्नोस करने से पहले। उसी तरह से इंक्रीज लॉस में अगर हम लोग बात करें तो अगर लार्ज एनिमल प्रोटीन लॉजिक गैस्ट्रो एंटेरोपैथी जो होती है, जैसे हम लोग कह रहे थे कि जीआई ट्रैक्ट से किस तरह से प्रोटीन लॉस होगा, उसमें से प्रोटीन लॉजिक गैस्ट्रो एंटेरोपैथीज हैं। जैसे लार्ज एनिमल की बात अगर हम लोग करें तो जॉन्स डिजीज और एमाइलोइडोसिस जो बीमारी होती है इसमें प्रोटीन लॉजिक एंटेरोपैथी होता है। उसी तरह से इक्वाइन में राइट डॉर्सल कोलाइटिस नाम की बीमारी से प्रोटीन लॉजिक एंटेरोपैथी होता है, या प्रोलिफेरेटिव एंटेरोपैथी फोल्स में होता है जिसके चलते प्रोटीन लॉजिक एंटेरोपैथी होता है और वहाँ पे भी एडिमा डेवलप होता है। और अगर दूसरी तरह से भी देखें, अगर हेवी इन्फेस्टेशन निमेटोड्स का भी है तो भी वहाँ पे वो प्रोटीन को एनिमल से ले लेते हैं और वहाँ पे हाइपोप्रोटीनीमिया डेवलप हो जाता है और एनिमल में इस तरह से भी एडिमा का डेवलपमेंट हो सकता है। उसी तरह से अगर कैनाइन की बात करें हम लोग तो एक बीमारी होती है जिसे हम लोग आईबीडी कहते हैं, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज। अगर आपके डॉग को इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज है उस कंडीशन में प्रोटीन लॉस होगा और देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एडिमा। इसी तरह से मैं अभी बात कर रहा था कि कौन से कंडीशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथीज जो हैं उसमें, यानी कि किडनी से आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है, ये मेनली अगर कैटल में हो रहा है तो एमाइलोइडोसिस के चलते हो सकता है। या एक लिस्ट और लास्ट कंडीशन जिसे हम लोग कहते हैं कि जिसमें कि डिक्रीज प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो लॉस हो रहा था लेकिन अगर अल्बुमिन का प्रोडक्शन भी ना हो उस कंडीशन में भी हाइपोअल्बुमिनेमिया हो जाएगा। और ये जो सिचुएशन है क्रोनिक हेपेटिक फेल्योर में होता है, क्योंकि जो अल्बुमिन है इसका सिंथेसिस है लीवर में होता है, तो अगर क्रोनिक हेपेटिक फेल्योर होता है उस कंडीशन में भी हाइपोअल्बुमिनेमिया हो सकता है और देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एडिमा। लेकिन मैं इसे एनिमल के सेक्टर में अगर आप बात करें तो ये लास्ट ऑप्शन है, जबकि ह्यूमन के सेक्टर में इसे फर्स्ट मानते हैं। एनिमल्स के साथ वैसा नहीं होता है जैसा ह्यूमन के साथ होता है। क्रोनिक हेपेटिक फेल्योर रेयर है एनिमल के केसेस में, और मोस्ट ऑफ द वेट्स ये सोचते हैं कि हेपेटिक फेल्योर इज द प्राइमरी कॉज, जबकि वो लास्ट कॉज होता है और उसको आपको लास्ट बदर करना चाहिए, क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल अलग अलग है, इनका खान पान अलग है। तो एनिमल में हेपेटिक फेल्योर जो क्रोनिक हेपेटिक फेल्योर है उसको लास्ट में कंसिडर किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर वेट्स ये सोचते हैं कि हेपेटिक फेल्योर इज द फर्स्ट कॉज, जो कि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। इसी तरह से अगर किसी भी तरह से डिक्रीज इनटेक हो, यानी कि आप माल न्यूट्रिशन करा रहे हैं, आपके एनिमल को काफ़ी दिनों से प्रोटीनेशियस डाइट ही नहीं मिल रहा है, उसे आप स्टार्व करके रखे हैं, या जो स्ट्रे एनिमल्स हैं जिनके पास कि उस तरह से व्यवस्था नहीं है कि उनको फार्मर्स उनको सफिशेंट अमाउंट में फूड दे सकें, उस कंडीशन में यू विल फाइंड देयर इज लेस इनटेक ऑफ प्रोटीन और वहाँ भी एक तरह से एडिमा का डेवलप होने का चांस हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है अंकोटिक प्रेशर के अलावे वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यहाँ वहाँ अंकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में अगर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाए, यानी कि कैपिलरीज के अंदर अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसी भी तरह से इंक्रीज होता है उसमें भी डेवलपमेंट
मेन रीजन है, इसमें जो कॉमन कटल में इनकाउंटर होता है उसमें नंबर वन पे आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कॉमन केसेस हैं खास करके ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस का केस वेटनरी प्रैक्टिस में कॉमन है, और इसमें अगर आपको इडीमा मिलता है तो आप देखेंगे कि सिमेट्रिक वेंट्रल इडीमा होता है। लेकिन अगर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात हो रही है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात हो रही है, उसमें सिर्फ आपको इडीमा नहीं मिलेगा, इडीमा के साथ साथ आपको उसमें जुगुलर इंगोजमेंट भी दिखता है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब भी आपको जुगुलर इंगोजमेंट के साथ इडीमा मिले देन यू हैव टू सस्पेक्ट अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसी तरह से अगर सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किसी एनिमल को होता है और लंग इडीमा होता है या पल्मोनरी इडीमा होता है, उस कंडीशन में हम लोग हमेशा सस्पेक्ट करते हैं कि देयर विल बी एक्यूट हार्ट फेलियर। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको इडीमा डेवलप हो जाता है और आपको सस्पेक्ट करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए अदर बीमारियों से कि और क्या क्या पॉसिबल बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा जो हार्ट को एक अफेक्ट करने वाला और रीजन है उसको हम लोग कहते हैं एंजियोटिक कैल्सिनोसिस। एंजियोटिक कैल्सिनोसिस का मतलब होता है कि मिनरलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, खास करके हार्ट मसल में जब कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है उस कंडीशन को एंजियोटिक कैल्सिनोसिस कहते हैं। और जब सॉफ्ट टिश्यू हार्ट मसल जो कैल्सिफाइड हो जाता है तो फिर क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या क्रोनिक हार्ट फेलियर का सिचुएशन डेवलप होने लगता है और जनरलाइज इडीमा आपको उस कंडीशन में मिलेगा, सिर्फ लंग का या वेंट्रल इडीमा नहीं मिलेगा, जनरलाइज इडीमा मिलेगा। और ये एंजियोटिक कैल्सिनोसिस जो है इसके पीछे जो रीजन है उसके लिए, अगर आपका एनिमल ग्रेजिंग के लिए जाता है और ऐसे प्लांट्स को खाता है जिनमें कैल्सिट्रियोल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कैल्सिट्रियोल इज द फॉर्म ऑफ विटामिन D3, या आप किसी भी तरह से उसे बार बार विटामिन डी का इंजेक्शन लगाते हैं, कैनाइन में भी आप लोग लगा सकते हैं, देखा जाता है अक्सर कि विटामिन डी का इंजेक्शन बार बार लगाया जा रहा है, या कैटल में भी बार बार विटामिन डी का इंजेक्शन लगाएंगे तो देयर विल बी अगर लार्ज एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो हीमोपेरासाइट्स जो हैं वो एक कॉमन फैक्टर होते हैं या कॉमन रीजन होते हैं जहाँ पे आपको इडीमा डेवलप होता है। अगर हीमोपेरासाइट में भी बात करें तो एक पैरासाइट है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपैनोजोमियासिस या सर्रा बीमारी, ये लगभग हर स्पीसीज ऑफ एनिमल को अफेक्ट करता है। अगर आप इक्वाइन में देखेंगे तो इक्वाइन ट्रिपैनोजोमियासिस में फेसियल इडीमा होता है, वेंट्रल इडीमा होता है, उसी तरह से कैटल में अगर आप देखेंगे तो हैंड लेग इडीमा होता है। लेकिन अगर आपको इक्वाइन की अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि इसे ट्रिपैनोजोमियासिस हो रहा है, तो उसको अदर साइन से भी आपको कोरिलेट करना होगा, न्यूरोलॉजिकल साइन है कि ना। अगर आपको फेसियल इडीमा या वेंट्रल इडीमा के साथ साथ अगर थर्ड आईलिड और कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन पे पेटिकल हेमरेजेज मिल रहे हैं तो आपको हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये एक ट्रिपैनोजोमियासिस का केस हो सकता है। इसी तरह अगर कैटल आपके पास प्रेजेंटेड है इस हाइंड लिंब एडिमा या डिपेंडेंट पार्ट के एडिमा के साथ साथ अगर आपको और भी क्लू मिल रहे हैं जो ट्रिपैनोजोमियासिस को सस्पेक्ट करते हैं, अगर आप उन दोनों को कोरिलेट करते हैं तो आप फील्ड कंडीशन में डायग्नोस कर सकते हैं कि इस एनिमल को ट्रिपैनोजोमियासिस हो सकता है या कौन सा हीमोपैरासिटिक इन्फेक्शन है। इसी तरह से अगर कैटल की बात करें तो कैटल में अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन रीजन है, अगर हीमोपैरासाइट में अगर आप बात करेंगे तो थिलेरियोसिस आता है, वो न्यूबॉर्न एनिमल्स हो, काफ हो या एडल्ट एनिमल हो, दोनों में ही सबमैंडिबुलर और ब्रिस्केट इडीमा करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिस्केट इडीमा है, सबमैंडिबुलर इडीमा है, इसको भी सबमैंडिबुलर इडीमा है। लेकिन जब भी आप थिलेरियोसिस के लिए सस्पेक्ट करें कि ये इडीमा इसके चलते है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर ब्रिस्केट इडीमा के साथ जुगुलर इंगोजमेंट है तो आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को सस्पेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
तो और आप क्या देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप फिलेरियोसिस के लिए सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या हाई टेम्परेचर है, टिक इन्फेस्टेशन है या लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट है। अगर आपको लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट दिखता है और साथ में सबमेंडिबुलर एडिमा या ब्रिस्केट एडिमा दिखता है तो आप फील्ड कंडीशन में सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस एनिमल को थेलेरियोसिस हो सकता है। इसी तरह से थेलेरिया के और भी साइन होते हैं, हम लोग अपने अगले वीडियोस में पहले भी हमने बताया है कि काफ में कैसे थेलेरियोसिस डायग्नोस करते हैं, आगे भी फ्यूचर में हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि थेलेरियोसिस को और कैसे डिस्कस करना है, डायग्नोस करना है। तो ये इडिमा आपको एक क्लू देता है कि आप थेलेरियोसिस के लिए भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कैनाइन डॉग प्रेजेंट है और उसमें हाइंड लिम्ब एडिमा दिख रहा है या स्क्रोटल एडिमा दिख रहा है या एसाइटिस दिख रहा है तो आप उसको कैनाइन मोनोसाइटिक अर्लिशियोसिस के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस एडिमा के बेसिस पे ही नहीं, उसके साथ साथ आपको अगर अदर क्लूज मिलते हैं जैसे नेजल ब्लीडिंग, इपिस्टैक्सिस जिसे कहते हैं, अगर नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, हाई फीमा है, इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में ब्लीडिंग है या मिलीना है या हाई टेम्परेचर है, तो ये सारे क्लू को मिला करके इडिमा के साथ आप कोरिलेट करके एक डायग्नोसिस के तरफ फील्ड कंडीशन में जा सकते हैं जहाँ पे आप क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकता है। अगर जो भी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है ये मेनली देर आर सो मेनी रीजंस फॉर एडिमा, डेवलपमेंट ऑफ एडिमा, लेकिन इनमें एनीमिया कॉमन होता है और जब एनीमिया होता है तो एनीमिया में एडिमा क्यों होता है इसके पीछे जो रीजन है वो न्यूरोहार्मोनल एक्टिवेशन का है। जब एक बार ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है और रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम हो जाता है एनीमिक पेशेंट में, तो वहाँ पे न्यूरोहार्मोनल एक्टिवेशन होता है जिसके चलते एक फैक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनहिबिटरी वेसल इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। ये हमेशा बेसल इंडोथेलियल को रिलैक्स होने से इनहिबिट करता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन लेवल लो होता है तो इसका इनहिबिशन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि इसको इनहिबिट करने वाला जो फैक्टर है वो कम हो जाता है। और इसके चलते जब इसका इनहिबिशन नहीं होता है तो जनरलाइज वासोडायलेशन होता है और अल्टीमेटली उसका एनिमल का जो ब्लड प्रेशर है, जब वासोडायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम होने के बाद न्यूरोहार्मोनल एक्टिवेशन होगा और न्यूरोहार्मोनल जब एक्टिवेशन होगा तो वाटर का फिर से और साल्ट का रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन होगा तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा और अल्टीमेटली देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एडिमा। तो एनीमिक पेशेंट में देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडिमा, लेकिन न्यूरोहार्मोनल एक्टिवेशन इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर और यू कैन सी इट्स ए पैथोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडिमा बिहाइंड एनीमिक एनिमल्स। तो पैरासिटिक डिजीजेज में आप लोग जानते हैं कि एनीमिया तो होता ही होता है, वो एक तो खाना नहीं खा रहा है, और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि वासोडायलेटर्स का रिलीज हो रहा है उससे भी वासोडायलेशन होगा तो भी एडिमा हो सकता है, लेकिन एनीमिया भी एक अपने आप में कंट्रीब्यूटरी होता है एडिमा के डेवलपमेंट के लिए। तो आप अगर किसी एनिमल को हीमोपैरासिटिक डिजीज के लिए एनीमिक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडिमा डेवलप मिल सकता है। तो उसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये एनीमिक है कि नहीं है तो उस कंडीशन में आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन अति आवश्यक है। पैलिड अगर म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रहा है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ एनीमिया ज़्यादा है, और म्यूकस मेम्ब्रेन अगर आपको देखना है तो फीमेल है तो आपको हमेशा वल्वर म्यूकस मेम्ब्रेन को देखना चाहिए। कभी कभी कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो आपको सही क्लू एनीमिक स्टेट का नहीं देता है, लेकिन अगर फीमेल एनिमल है तो उसमें वल्वर म्यूकस मेम्ब्रेन से देख करके एनीमिक स्टेट का अनुमान अच्छे से लग पाता है। तो इस तरह से आपको कोरिलेट करना है कि क्या फैक्टर है, क्या रीजन है, उसके बेसिस पे आप एक क्लू पे जा सकते हैं, डायग्नोसिस पे जा सकते हैं। इसी तरह से एक कॉमन सा कंडीशन है कैटल के केस में, उसे हम लोग कहते हैं अडर एडिमा इन लेट प्रेगनेंसी और वेंट्रल लोकल सिमेट्रिक एडिमा। जब भी एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है या जस्ट रिसेंट पार्चुरेशन होता है उसमें अगर आप देखेंगे कि कभी कभार कैटल में
अडर एडिमा डेवलप हो जाता है या आगे तक पानी जो है उतर आता है, दैट इज, और हमेशा ही वेट्स जो है उसको मस्टाइटिस से कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका जो रीजन है वो मेनली आप लोगों को जानना चाहिए कि जब एक खास करके प्राइमरी पेरस में ज़्यादा होता है, पहली बार जो बच्चा देने वाली गाय होती है या भैंस होती है उसमें अडर एडिमा डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है उस समय मिल्क सिंथेसिस के लिए लगभग 3 गुना ज़्यादा ब्लड फ्लो अडर की तरफ हो जाता है। 3 गुना ज़्यादा ब्लड फ्लो अडर की तरफ हो जाना है और वहाँ से ड्रेनेज फिर ब्लड को रिटेन बॉडी की तरफ ड्रेन करने के लिए वो एक्टिविटी नहीं रह जाती है। तो अगर दोनों में डिस्पेरिटी होगा, ब्लड फ्लो अडर को ज़्यादा है वहाँ से रिटेंशन, वहाँ से ड्रेनेज नहीं है तो वहाँ पे रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा तो एक्युमुलेशन होगा, एक्युमुलेशन होगा तो एडिमा होगा। तो हमेशा आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि अडर एडिमा है या मस्टाइटिस है, आपको डिफ्रेंशिएट करना अति आवश्यक है। अगर आपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो अननेसेसरी आप एंटीबायोटिक यूज करते रहेंगे और आपको सक्सेस ट्रीटमेंट में नहीं मिलेगा। दूसरा जो पॉसिबल रीजन एक माना जाता है वो डायट्री कैटायन एनायन बैलेंस माना जाता है, यानी कि आप एनिमल को प्रीपार्टम डाइट में ज़्यादा कैटायन देते हैं, यानी कि सोडियम आप ज़्यादा दे रहे हैं, साल्ट आप सॉल्ट ज़्यादा दे रहे हैं और एनायन जैसे क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड या इस तरह के सोडियम और पोटेशियम, अगर आपने सिंपली अगर हम बात करें बच्चा देने से पहले अगर सोडियम पोटेशियम लेवल डाइट का ज़्यादा है उसमें कैटायन लेवल ज़्यादा हो जाता है और उस एनिमल में अडर एडिमा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि डायट्री कैटायन एनायन बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए, यानी ये लो होना चाहिए, कैटायन कम होना चाहिए, एनायन ज़्यादा होना चाहिए पेरीपार्टम पीरियड में, तो आप उस समय अडर एडिमा डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। अदर फैक्टर आप स्टेज में फिटल ग्रोथ जब हो रहा होता है तो उस समय प्रेशर अडर पे ज़्यादा होता है, क्योंकि फिटस का अंदर में ग्रोथ हो रहा होता है तो उसके प्रेशर के चलते भी अडर एडिमा डेवलप होता है और आपको लगता है कि यहाँ पे अडर का स्वेलिंग हो गई है। अगर स्वेलिंग है तो हमेशा ही आपको ध्यान देना है कि मिल्क की क्वालिटी क्या है, क्या उसमें हॉटनेस है या काउ में अदर एबनॉर्मलिटी मिल रही है, तो आपको मस्टाइटिस से हमेशा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्लिनिकली, उसके बाद ही आप कंफर्म कर पाएंगे कि ये अडर एडिमा है। और अगर अडर एडिमा है तो आपको एंटीबायोटिक अननेसेसरी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो फैक्टर्स हैं जिसमें एडिमा का डेवलपमेंट होता है, जैसे लोकल एडिमा किसी भी एक पार्टिकुलर वेन या कोई लीजन है जो कंप्रेस करता हो, उस सिचुएशन में डेवलपमेंट हो जाएगा लोकल एडिमा का। जैसे थायमिक लिम्फोसारकोमा एक कंडीशन होता है जिसमें क्रैनियल वेना कावा का कंप्रेशन होता है कैटल में और लोकल एडिमा डेवलप होता है। इसी तरह से अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया है, यानी कि ऐसा कंडीशन हो गया है जहाँ पे हेपेटिक फाइब्रोसिस हो गई है, उसमें भी लोकली लोकल एडिमा का डेवलपमेंट होगा और देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एसाइटिस। हेपेटिक फाइब्रोसिस कैटल और एनिमल्स में रेयर है, ये बहुत कम देखा जाता है। हेपेटिक फाइब्रोसिस इन एनिमल में पहले भी कह रहा था कि हेपेटिक को हम लोग लास्ट में लेते हैं एनिमल सेक्टर में जब भी बात करते हैं, तो ये रेयर है बट ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर आपको कहीं से क्लू नहीं मिल रहा हो तो आप हेपेटिक फाइब्रोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक फैक्टर जहाँ पे इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाए किसी भी तरह से, वट एवर रीजन इज देयर, अगर जैसे आप बात करें कि जो भी फैक्टर है जैसे इंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जब ये जैसे इकोलाई मस्टाइटिस होता है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेजर फैक्टर है वो इंडोटॉक्सिन है। और इंडोटॉक्सिन क्या करता है, वासोडायलेशन करता है, वासोडायलेशन करेगा और वासोडायलेशन होगा तो वहाँ पे डिपेंडेंट पार्ट को अडर में एडिमा होगा और उसके आगे तक एडिमा बढ़ के जाता है। तो इस बेसिस पे क्लिनिकली आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जो मस्टाइटिस भी है अगर उसके साथ में कौन सा मस्टाइटिस है, क्या ये ग्राम निगेटिव के द्वारा किया गया है या कोई और बैक्टीरिया है, तो
डेवलपमेंट ऑफ एडिमा के बेसिस पे, अगर मस्टाइटिस के साथ में डेवलपमेंट ऑफ एडिमा है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक को और आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मस्टाइटिस की कंडीशन को भी। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया है जहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी अफेक्ट होती है, तो आपको उस तरह से डायग्नोसिस में हेल्प मिल जाएगा। इसी तरह से अगर एलर्जिक कंडीशन है कोई, उसमें भी देखने को मिलेगा कि अर्टरीक्रिया हो रहा है, एंजियोडिमा हो रहा है। और इसमें क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन में लोकल लिबरेशन ऑफ वासोडायलेटर होता है, खास करके हिस्टामिन और ब्रैडिकाइन्स जो होते हैं वो लिबरेट होते हैं और वो वासोडायलेशन करते हैं और वहाँ पे पूरे के पूरे स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम लोग एडिमा कहते हैं। और अगर कोई एलर्जिक एडिमा हो रहा है तो उसमें देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ इचिंग आल्सो। एलर्जिक एडिमा का एक और टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, ये आपको हमेशा वहाँ मिलता है जहाँ पे म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे स्किन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। नोज में भी आप देखेंगे कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से, इसी तरह से ओरल कैविटी, जहाँ भी नेचुरल ओपनिंग है, वल्वा हो, एनस हो, तो जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे सबसे ज़्यादा होता है और यहीं पे सबसे पहले स्वेलिंग आती है। इसका रीजन ये है कि जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन होता है वहाँ पे मास सेल का एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और मास सेल हिस्टामिन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जब भी आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन सस्पेक्ट आप करते हैं तो आपको दिखता है कि आई के राउंड स्वेलिंग हो गई है, नोज के राउंड, माउथ के राउंड, वल्वा के राउंड या उसके एनस के राउंड में स्वेलिंग हो रही है। इस तरह से अगर आपको स्वेलिंग और एडिमा मिलता है देन यू हैव टू सस्पेक्ट अबाउट द एलर्जिक एडिमा। इसी तरह से कुछ फैटल डिजीजेज हैं जो टॉक्सिक डैमेज करती हैं वास्कुलर एंडोथेलियम को और या वास्कुलाइटिस करती हैं, उसमें भी आपको एडिमा डेवलप होता है और एनिमल को आपको उस तरह से भी सस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह से अगर आप लोग जानते हैं कि एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि टॉक्सिक वास्कुलाइटिस होता है और टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है उसके चलते, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के टॉक्सिन के चलते एंडोथेलियल डैमेज होता है और उसमें एडिमा डेवलप होता है। इसी तरह से गैस गैंग्रीन में भी एडिमा डेवलप होता है, मैलिग्नेंट एडिमा रुमिनेंट्स में होता है। एडिमा डिजीज ऑफ पीग अगर आप देखें, सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी एंडोथेलियम और वैस्कुलर डैमेज होता है। इसी तरह से इक्वाइन वायरल आर्टेराइटिस है या इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया है, इस तरह का अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें वास्कुलर एंडोथेलियम का डैमेज होता है और फिर एडिमा का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से एक डिजीज होती है पुरपुरा हेमरेजिका हॉर्सेस में, जिसमें कि एंडोथेलियम का डैमेज होता है और वास्कुलर एंडोथेलियर का वास्कुलाइटिस होता है, उसमें भी डेवलपमेंट ऑफ एडिमा होता है। तो ये जो लिस्ट हैं, एंथ्रैक्स, गैस गैंग्रीन, मैलिग्नेंट एडिमा, एडिमा डिजीज, मलबेरी, हार्ट डिजीज ऑफ पिक, इक्वाइन वायरल एंटराइटिस, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, पर्पुरा हेमरेजिका एंड हार्ट वाटर डिजीज इन रूमिनेंट्स, अपने इंडिया में नहीं है काउड्रियोसिस, बट इसको भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको एक क्लू मिलेगा इन बीमारियों में। तो ये पॉसिबल बीमारियां हैं जहां पे आपको एडिमा मिल सकता है और आप इनको एक साइड बाय साइड आप कह सकते हैं एक साथ कंसिडर करेंगे तो आपको एक फील्ड कंडीशन में अच्छा डायग्नोस्टिक क्लू एडिमा के थ्रू मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।